जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोफ्यूल के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल को कैसे बनाया जाता है और बायोफ्यूल को यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बायोफ्यूल होता है ये बायोमास से बनने वाला फ्यूल होता है जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायोमास क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, सब्जियां और एनिमल्स का वेस्ट, कुछ फसलें जैसे मक्का और आपका यहाँ पर गन्ने की फसल, चावल की फसल, ये जितने भी चीजें हैं ये सब बायोमास के अंदर आती हैं। और जब इन बायोमास के मटेरियल्स को यूज करके कोई फ्यूल बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं बायोफ्यूल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्न यानी कि मक्के से इथेनॉल बनाना। जी हाँ दोस्तों, मक्के की जो फसल होती है उससे इथेनॉल बनाया जाता है और इथेनॉल को यूज में लिया जाता है पेट्रोल बनाने के काम में। हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो आपके लिए डाली थी, एक फ्लेक्सी फ्यूल करके थी और एक थी E20 फ्यूल। इन दोनों के अंदर जो मक्के की फसल है उसको यूज में लिया जाता है एथेनॉल को बनाने में, ये भी एक बायोफ्यूल की कैटेगरी के अंदर आता है। दोस्तों ये जो बायोफ्यूल होता है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि ये पेट्रोल की तरह नहीं है कि आपने तेल को एक बार जमीन से निकाला, उसको यूज किया और वो खत्म। ये ऐसे सोर्सेस हैं फ्यूल के जिनको आप अगेन एंड अगेन बार बार उसको यूज कर सकते हैं और ये खत्म होने वाले नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोफ्यूल कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बायोडीजल। बायोडीजल एक बायोफ्यूल की कैटेगरी है। इसके बाद आता है बायोएथेनॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया जो मक्के की फसल है या फिर जो गन्ने की फसल होती है, चावलों की जो टुकड़े होते हैं उनसे एथेनॉल बनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर बायोगैस, जिसमें हम मीथेन गैस और या फिर जो गोबर गैस आपने सुना होगा, ये जो एनिमल वेस्ट होता है उससे इसको बनाया जाता है। ये तीन तरह के बायोफ्यूल यहाँ पर होते हैं। दोस्तों अब बात करें कि ये जो बायोफ्यूल है इसके फायदे क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बायोफ्यूल का सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो इसको हम कितने बार भी अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा सही होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बन एमिशन होता है ड्यूरिंग द यूज वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिससे हमारे एनवायरमेंट को इससे कोई भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तीसरा, हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर, उसको भी ये कम करते हैं, क्योंकि अगर हम बायोफ्यूल्स को यूज करने लग जाएं तो हम बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलेगी और जो डिपेंडेंसी है वो भी हमारी यहाँ पर कम होगी। तो ये इसके फायदे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बायोफ्यूल का कॉन्सेप्ट है ये आखिर है क्या। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।